हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट ट्रांसफ़र करना है दूसरे किसी बैंक में, तो उसको हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन बिना बैंक में जाए हुए। क्योंकि अगर आप शहर की ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसमें आपका MAB मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रखना कंपलसरी है। अगर आप उसको नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने किसी गांव की ब्रांच में भी अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जहाँ पे MAB होता है करीबन 2500 के आसपास। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कैसे हम कर सकते हैं इसको ट्रांसफ़र ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपनी ICICI मोबाइल की आई मोबाइल पे ऐप। ऊपर करने के बाद हम इसमें कर लेते हैं लॉगिन, अपने जैसे भी इसको अपने 4 डिजिट पिन से या फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेना है। मैं कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में हमें जाना है सर्विस के ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सर्विसेज, सर्विस के ऑप्शन पे हमारे को करना है क्लिक। जैसे ही हम करते हैं सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक, तो हमारे को यहाँ पे शो हो रहा होगा अकाउंट सर्विस, कर लेना हमारे को अकाउंट सर्विस के ऊपर क्लिक। अकाउंट सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे को यहाँ पे शो हो रहा होगा 5वें नंबर पे ट्रांसफर योर अकाउंट, ट्रांसफर योर अकाउंट्स। तो हमारे ऊपर लेना क्लिक ट्रांसफर योर अकाउंट्स के ऊपर। जैसे ही हम अपना ट्रांसफर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा योर अकाउंट नंबर। अगर आपके एक ही ऐप से दो अकाउंट नंबर है तो दोनों यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमारा एक अकाउंट है तो ये शो हो गया है, और ये भी शो हो गया भाई जो आपकी पहले वाली ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है, वो ब्रांच भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना है। और इनको ये बोल रहा है प्लीज क्लिक यस इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद ट्रांसफर ऑफ योर अकाउंट। अगर अपना अकाउंट ट्रांसफर करना तो आपको क्लिक करना होगा यस के ऊपर। तो हम कर देते हैं यस के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम यस के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे को यहाँ पे शो होगा आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना स्टेट, कौन से स्टेट में आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है, हरियाणा। उसके बाद में आपको करना है सिटी, कौन से सिटी में आपको कर लेना है अपना अकाउंट ट्रांसफर। तो उसके बाद में हिसार मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हिसार आ गया। उसके बाद ये पूछ रहा है भाई आपको कौन सी ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे सारी की सारी ब्रांच शो हो जाएंगी, अर्बन की, रूरल की और सेमी अर्बन की भी शो हो जाएगी। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है अपनी ब्रांच का नाम, मैंने कर लिया। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो उसके बाद में हमारे को करना है सबमिट के ऊपर क्लिक। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो एक बार शो कर रहा है दोबारा भाई आपकी कस्टमर आईडी ये है, ये आपका अकाउंट नंबर है और आप इस ब्रांच में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो हमारे को करना क्लिक सबमिट के ऊपर। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हो रहा लोडिंग। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं भाई, ये आ गया ऑप्शन सक्सेस, यूर सेइंग अकाउंट नंबर इज दिस हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम इस ब्रांच से इस ब्रांच में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। देखो, हमारे को कहीं भी किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया ऑनलाइन। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर बिना बैंक में जाए हुए। इसमें बिल्कुल कुछ ही समय लगा है इसको ट्रांसफ़र करने में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें बताएं आपको किस चीज़ में समस्या आ रही है, ताकि हम उसका वीडियो बना के सोल्यूशन कर दें और आपको उस कार्य को करने में समस्या ना आए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।